हेलो गाइस, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल टेक शेगो। मेरा नाम है शुभम और आज की वीडियो पर हम लोग बात करने वाले हैं कि अगर आपका फेसबुक अकाउंट कोई चेक कर रहा है बार बार, तो आप उस चीज़ को कैसे पता कर सकते हो। बस दो तीन स्टेप्स इसके हैं, आप उसे अगर फॉलो करते हो तो आप पता कर सकते हो। एक्चुअली ये स्टेप्स मतलब बहुत पहले से चले आ रहे हैं, पर ऑफिशियली ऐसे कोई स्टेप फेसबुक ने नहीं बताए हैं, तो ये मतलब कुछ लोगों ने मतलब ऐसे ही बनाए हैं इसे। तो आइए इस बारे में बात कर लेते हैं। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस हमेशा अपने चैनल पर लाता रहता हूँ। तो यहाँ पे जो दो रास्ते हैं जिनसे है कि आप अपने मतलब चेक कर सकते हो कि आपका फेसबुक अकाउंट कौन बार बार चेक कर रहा है, तो इसमें पहला जो स्टेप है उसमें आपको अपने जो फेसबुक अकाउंट अपने कंप्यूटर पे खोल लो और वहाँ पे उसका सोर्स पेज जो होता है राइट क्लिक करके कहीं खाली जगह पे उसे ओपन कर लो। तो वहाँ पे आपको जितनी भी कोडिंग होगी उस पेज की वहाँ पे सारे आ जाएंगे, और वहाँ पे आएगा अल्टरनेट फ्रेंड लिस्ट करके आएगा वहाँ पे एक ऑप्शन। वहाँ पे आप उसके नीचे देखोगे बहुत सारे नंबर्स होंगे, वो मतलब बेसिकली वो जितने भी आईडी होंगे अकाउंट में होंगे वहाँ पे वो सारे नंबर्स होंगे। तो आप उसमें से कोई भी नंबर, जो सबसे पहले जो नंबर होगा उस अल्टरनेट फ्रेंड लिस्ट में, वही आपका मतलब ऐसा बोला जाता है कि वही आपका मतलब सबसे ज़्यादा चेक कर रहा है आपका अकाउंट को। बट मतलब बहुत लोगों ने इसे चेक किया कि अगर ऐसा हो भी रहा है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो आप उससे ज़्यादा चैट कर रहे हो इसीलिए वो सबसे ऊपर है। बट बहुत लोगों ने इसे चेक करा तो देखा कि ऐसा कुछ नहीं है। मतलब जिससे आप बहुत महीनों से मैसेज नहीं कर रहे हैं उनका नाम मतलब उनके आईडी भी टॉप पे है, तो मतलब ये शायद काम कर रही है ये चीज़। ओके, तो अब सेकेंड चीज़ की बात कर लेते हैं जो कि है एक्सटेंशंस, गूगल एक्सटेंशंस, गूगल क्रोम एक्सटेंशंस या फिर फायरफॉक्स के एक्सटेंशंस। तो ये एक्सटेंशंस क्या करते हैं, ये आपको ऐप बोलते हैं आप मेरे एक्सटेंशन को ऐड करो। मैं आपको बता दूंगा कि जैसे मेरी मतलब आप बड़े हो के क्या बनोगे, या फिर आप किस एक्टर की तरह दिखते हो, किस एक्ट्रेस की तरह दिखते हो, आपके आप किसके साथ रिलेशनशिप में जाओगे, ये सारी चीज़ें मतलब वो बोलते हैं। बट ऐसा कुछ होता नहीं है, मतलब कोई भी आपको ये सब चीज़ें तो नहीं बता सकता है, वो भी फेसबुक। तो ये सब जो थर्ड पार्टी एक्सटेंशन जो लोग डाउनलोड करते हैं, एक्चुअली जो अभी जितने भी मतलब डेटा लीक हुई थी फेसबुक से, 50-60% जो हाथ था इन एक्सटेंशंस का था। ये एक्सटेंशंस मतलब आपको बोलते हैं ऐड कर लो, और मतलब ये आपके अकाउंट को हैक कर लेता है। तो इससे ऐसे आपके अकाउंट की सारी डिटेल्स उनके पास चली जाती हैं और फिर मतलब वो डेटा लीक हो जाता है सारा फेसबुक का। तो गाइज़ ये दो स्टेप्स हैं, तो मैं आपको बिल्कुल भी मतलब बोलूँगा नहीं कि आप एक्सटेंशन वाले चीज़ को यूज़ कर लो, क्योंकि इससे जो होता है कि मतलब आपका अकाउंट हैक हो सकता है। हाँ, आप पहली वाली चीज़ को यूज़ कर सकते हो, जो पहला स्टेप मैंने बताया सोर्स कोड देखने वाला, तो वो आप स्टेप यूज़ कर सकते हो। तो गाइज़ यही था आज का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके नीचे बताओ, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर लो, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोज़ हमेशा अपने चैनल पर लाता रहता हूँ।